जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों सेम प्राइस कैटेगरी के दो मोबाइल हमारे पास में है, दोनों ही सुपर एमोलेड मोबाइल है। Realme 10 जो कि कुछ समय पहले लॉन्च हुआ था और Redmi Note 12 4G डिवाइस, ये दोनों ही डिवाइस काफ़ी अच्छे प्राइस के साथ में लॉन्च हुई थी। आप देख सकते हो बैक साइड का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। Redmi Note 12 में पीछे की तरफ 50+8+2 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, Realme 10 में 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। फ्रंट का अगर डिज़ाइन देखें तो दोनों ही पंच होल डिस्प्ले के साथ में आता है। Redmi Note 12 में 13 मेगापिक्सल, Realme 10 में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। Redmi Note 12 जो डिवाइस है यहाँ पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। 6.7 इंचेस का इसमें बड़ा सा सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। Realme 10 में 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड FHD+ डिस्प्ले मिलता है जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। दोनों ही डिवाइस में 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है और चार्जिंग भी सेम ही मिलती है 33 वॉट की। यहाँ पे दोस्तों Redmi Note 12 4G जो डिवाइस है उसमें SD685 वाला प्रोसेसर है, जबकि Realme 10 में Helio G99 प्रोसेसर मिलता है। दोनों ही 6nm प्रोसेसर है। हम यहाँ पे दोनों ही का स्पीड टेस्ट, डीप स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, देखते हैं कौन सा प्रोसेसर आगे निकलता है। तो दोस्तों चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बूटिंग टेस्ट कर लेते हैं। Redmi Note 12 डिवाइस में MIUI 14 Android 13 मिलता है, Realme 10 में MIUI 4 Android 13 का अपडेट मिलता है। देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले कौन सा मोबाइल बूट हो पाता है। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हमने किया है, मी और Realme दोनों के ही यहाँ पे अपने अपने कंपनी के लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो Redmi Note 12 4G डिवाइस पहले बूट कर चुका है, इस बूटिंग टेस्ट में ये पास हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप दोनों ही डिवाइस को देख सकते हो, Realme X7 सेम वाईफाई से जुड़ा हुआ है। हम यहाँ पे अब ऐप डाउनलोडिंग टेस्ट करने वाले हैं, देखते हैं कि कौन सा मोबाइल सबसे फास्ट यहाँ पे इस गेम को डाउनलोड कर पाता है। प्ले बटन आप देख सकते हो Realme 10 में सबसे पहले को देखने को मिला है, तो इस डाउनलोडिंग टेस्ट में Realme 10 जो है विनर बन जाता है। नेक्स्ट डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड टेस्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं ओकला ऐप के थ्रू। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा हमने फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड हमें फटाफट से पता चल सके। यहाँ पर देख सकते हो Realme 10 की डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा है और अपलोडिंग Redmi Note 12 दोनों ही यहाँ पे बराबर से विनर बनते हैं। काइन मास्टर ऐप के थ्रू हम यहाँ पे वीडियो रेंडरिंग स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आप सबको सबसे पहले दिखा दें 720p मैक्स टू मैक्स Redmi Note 12 और 1080p यानी कि QHD तक मैक्स टू मैक्स सपोर्ट आपको Realme 10 में मिल जाता है। दोनों में ही हम सेम स्लाइड ले रहे हैं और यहाँ पे रेंडरिंग टेस्ट करने वाले, दोनों में ही हमने 720p 30fps लिया है। फटाफट से हम यहाँ पे टैप करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले वीडियो रेंडर करके कौन सी डिवाइस देती है। प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है इस रेंडरिंग टेस्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Realme 10 जिसमें Helio G99 प्रोसेसर है, इसने यहाँ पे आउटपुट दे दिया है रेंडर करके। इस रेंडरिंग टेस्ट में Realme 10 जो है विनर बन जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट हमने नेक्स्ट टेस्ट लिया है, इसमें मिनिमम 5 मिनट लगते हैं। इस टेस्ट के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि मल्टीटास्किंग गेमिंग के समय CPU को कितना थ्रॉटल, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। 5 मिनट अप्रॉक्सीमेटली इसमें भी लगते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हमने किया है। Realme 10 में आप देख सकते हो येलो लाइन काफ़ी ज़्यादा है, ग्रीन लाइन बहुत कम है। Redmi Note 12 का यहाँ पे स्कोर आता है 84 versus 72, तो इस टेस्ट में क्लियरली Redmi Note 12 जो है विनर बन जाता है। और यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट है ऐप ओपनिंग टेस्ट। कुछ डेली यूजर्स की ऐप और गेम को हमने सिलेक्ट किया है। यहाँ पे PUBG BGMI को हमने हटा दिया है क्योंकि सर्वर अभी उसका ओपन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिस्टम ऐप कैमरा ऐप को ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो सबसे पहले Redmi Note 12 डिवाइस ने इस सिस्टम ऐप कैमरा को पहले ओपन किया है। नेक्स्ट दोस्तों एंटीटू बेंचमार्क स्कोर ऐप को ओपन करके देख लेते हैं और साथ में एंटीटू बेंचमार्क स्कोर भी देख लेते हैं। सबसे पहले Redmi Note 12 ने उसे ओपन किया है, लेकिन एंटीटू बेंचमार्क स्कोर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा आपको Realme 10 Helio G99 का देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे टेम्पल रन गेम को ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ही मोबाइल लगे हुए हैं एंड देखते हैं कि प्ले बटन हमें सबसे पहले किस मोबाइल में मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो Realme 10 में थोड़ा सा पहले इस प्ले बटन मिल चुका है, टेम्पल रन को सबसे पहले इसने ओपन किया। नेक्स्ट गेम कैंटी क्रश को ओपन करके देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा गेम है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से इसे खेल सकते हैं। एंड किंग का यहाँ पर लोगो आ चुका है, प्ले लोगो किसका आता है सबसे पहले Realme 10 में हमें ये देखने को मिला है। नेक्स्ट गेम यहाँ पर हम कृष्णा को ओपन करके देख लेते हैं, थोड़ा सा हैवी गेम है और थोड़ा सा टाइमिंग भी यहाँ पर लेता है,
थोड़ा सा हमने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड किया, फटाफट से हम रिजल्ट देखते हैं कि कौन सा मोबाइल ने सबसे पहले से ओपन किया है। अगेन से रियलमी 10 ने इससे पहले ओपन किया है। नेक्स्ट ऐप दोस्तों लूडो किंग गेम को ओपन करके देख लेते हैं कि कौन सा मोबाइल सबसे फास्टली इसे ओपन कर पाता है। तो यहाँ पे दोनों के ही लोगो आ चुके हैं, देखते हैं कि सबसे पहले अगेन से यहाँ पे रियलमी 10 डिवाइस ने इसे पहले ओपन किया है। नेक्स्ट यूट्यूब ऐप को ओपन करके देख लेते हैं जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा। यहाँ पे अगेन से रियलमी 10 ने इसे पहले ओपन किया है। नेक्स्ट क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके देख लेते हैं, डेली यूजर्स में काफ़ी ज़्यादा हम इसे यूज़ करते हैं। फटाफट से देख लेते हैं कौन सा मोबाइल इसे पहले ओपन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों मोबाइल ने सेम टाइमिंग पे गूगल को ओपन किया है। नेक्स्ट ऑनलाइन शॉपिंग ऐप फ्लिपकार्ट को ओपन करके देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा हम इसे यूज़ करते हैं। अगेन से दोस्तों रियलमी 10 ने इसे पहले ओपन किया है। एंड लास्टली यहाँ पे एक और ऑनलाइन शॉपिंग ऐप अमेज़ोन को ओपन करके देख लेते हैं कौन सा मोबाइल यहाँ पे इसे फास्टली ओपन करता है। अगेन से रियलमी 10 डिवाइस ने इसे ओपन किया है। तो यहाँ पे मोस्टली टेस्ट को रियलमी 10 ने ओपन किया है। अब रैम मैनेजमेंट भी चेक कर लेते हैं, बैकग्राउंड रनिंग ऐप को सबसे पहले कौन सा मोबाइल ओपन कर पाता है। तो दोनों ही मोबाइल के बीच में फुल कंपैरिजन प्लस डीप स्पीड टेस्ट। यहाँ पे मोस्टली जो टेस्ट है इसमें दोनों ही मोबाइल ने कांटे की टक्कर दी है, बट थोड़े से यहाँ पे डिफरेंस से रियलमी जो डिवाइस है उसका हीलियो G99 प्रोसेसर जो कि 6 nm प्रोसेसर है रेडमी नोट 12 के ST685 प्रोसेसर से आगे निकल जाता है। परफॉर्मेंस इसमें आपको बेहतर देखने को मिलेगा। वैसे दोनों ही डिवाइस 4G डिवाइस है। रेडमी में आपको थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले मिलता है 6.7 inches का सुपर एमुलेट प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट वाला, और रियलमी में कंफर्टेबल डिस्प्ले मिलता है। रियलमी का जो प्राइस है वो यहाँ पे जो 4GB 64GB वेरिएंट है वो 13,000 रुपये के आसपास आ जाता है डिस्काउंट के साथ। एंड रेडमी नोट 12 का जो बेस वेरिएंट है 6GB 64GB वो डिस्काउंट के साथ 14,000 रुपये के आसपास आ जाता है। दोनों ही अपने अपने प्राइस सेगमेंट में काफ़ी अच्छे मोबाइल हैं। एंड दोनों ही मोबाइल के परफॉर्मेंस में ज़्यादा अंतर नहीं है, 19-20 का यहाँ पे डिफरेंस है। दोनों ही मोबाइल के रिगार्डिंग डीप रिव्यू वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, चेकआउट जरूर से करिएगा। एंड दोनों ही मोबाइल के रिगार्डिंग अगर आपके डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, बोलते रहिए, वंदे मातरम।